खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर गाड़ियों की रवानी मुतासर। मोटरवे M1 पिशावर से इस्लामाबाद, M2 बलकसर से इस्लामाबाद तक बंद। मोटरवे M14 हकला से कोटबेलियाँ तक इस्तेमाल करने पर पाबंदी। हज़ारा मोटरवे पर बुरहान से शाह मकसूद तक ट्रैफिक का दाखिला मना। धुंध के बाईस एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट का शेड्यूल आज भी मुतासर। सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस की आज फिर समाअत। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने अदलिया पर असरअंदाज होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया, कहते हैं कभी नहीं कहा नवाज शरीफ को सजा ना हुई तो दो साल मेहनत जाया हो जाएगी। शौकत सदीकी ने तकरीर और जुडिशियल काउंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। शौकत सदीकी से कभी राबता, मुलाकात या नवाज शरीफ की अपीलों पर बात नहीं की। शौकत अजीज सदीकी के तमाम इल्जाम बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे की भी शौकत सदीकी के इल्जाम और मुलाकात की तरदीद। आम इंतखाबात में 15 रोज बाकी, तैयारियां मजीद तेज। पोस्टल बैलेट पेपर्स के हुसूल का मुकर्रर वक्त खत्म। हुकूमती कमेटी के कन्वीनियर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। शाहिद अशरफ तारड़ की सिकंदर सुल्तान को हुकूमत की तैयारियों पर ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों के इकदाम को सराहा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर कहते हैं कि जाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म बनने नहीं इलेक्शन लड़ने आया हूँ। जिन लोगों ने मुल्क को बिगाड़ना था वो बिगाड़ कर चले गए। पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ, जालिमों ने सत्यानाश कर दिया। नवाज शरीफ का मानसहरा में खिताब, बोले उन्हें निकाला ना जाता तो आज हर घराना खुशहाल होता, कोई बेरोजगार ना होता। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत करने वालों ने क्या किया? लोग एक झूठे के झांसे में आ गए। पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लाना आसान काम नहीं। नून लीग की हुकूमत आई तो मानसहरा में एयरपोर्ट होगा, रेलवे लाइन बिछेगी, मेडिकल यूनिवर्सिटी और वाटर सप्लाई देंगे। इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएं। नफरत की सियासत खत्म करनी है तो तीर पर मोहर लगाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का साहिवाल में जलसे से खिताब, बोले चार नहीं, उन्हें एक मौका चाहिए, अवाम की किस्मत बदल देंगे। इलेक्शन में अब सिर्फ दो जमातें बची हैं। जियालों ने गाली गलोच और जाती दुश्मनी की सियासत नहीं करनी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकती है, बाकी सियासी जमातें और सियासतदान पुरानी सियासत कर रहे हैं। लाहौर में पानी की बात वो कर रहे हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। लाहौर में पानी भी मिलता है और खाना भी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब। अपने हलके में रैली से खिताब में मजीद कहा, 8 फरवरी तारीखी और फैसले का दिन है, शेर पर ठप्पा लगाकर महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करना होगा। कामयाब होकर नौजवानों को दोबारा लैपटॉप, वज़ाइफ और मुफ्त दवाएं देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका सोच पर कायम है। पाकिस्तान और चीन हर तरह के हालात में स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। चीन का सी पैक मनसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई शराकत दारी पर भी तबादला ख्याल हुआ।